जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप की स्पेशल फैक्ट के बारे में, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप को आज हम कुछ अलग ही ढंग से थोड़ी डीप में जाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है, इसी का हमने पूरा मैप बनाया है। जो अंडमान और निकोबार द्वीप है, इसको हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला तो इसका अंडमान है और दूसरा इसका हिस्सा है निकोबार, ठीक है। देखिए, इसमें देख सकते हैं आप लोग मैप उठा सकते हैं। तो मैप में जब आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि अंडमान की श्रृंखला सबसे ऊपर है और उसके बीच नीचे साइड जब आप लोग देखेंगे तो निकोबार द्वीप की श्रृंखला आपको मिलेगी। देखिए, यहाँ पर अंडमान, इसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी अंडमान। ये जो ये द्वीप दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी अंडमान। और इसके साउथ में देखेंगे तो इसको मध्य अंडमान हम लोग बोलेंगे। यदि आकार में देखें तो मध्य अंडमान जो है वो सबसे बड़ा है, यानी कि आकार की दृष्टि से मध्य अंडमान सबसे बड़ा है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। और मध्य अंडमान के दक्षिण में हम लोग यदि देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा दक्षिणी अंडमान, यानी कि जो सबसे ऊपर है उसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी अंडमान, और जो मध्य में है उसको बोलेंगे मध्य अंडमान, और उसके दक्षिण में है जो, तो इसको बोलेंगे हम लोग दक्षिणी अंडमान। तो ये अंडमान की तीन ये द्वीप हो गए, ठीक है। अब देखिए आप लोग, ये है लिटिल अंडमान, ठीक है। तो अंडमान की ये तीनों श्रृंखलाएं हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। आप लोग मैप में भी देख सकते हैं इसी तरह से। देखिए, जो उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पर कुछ पहाड़ियां हैं उत्तरी अंडमान में, तो उत्तरी अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सैंडल पीक। क्या नाम है? सैंडल पीक। एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी या फिर उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो उसका नाम है सैंडल पीक, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। देखिए, जो अंडमान निकोबार द्वीप है ये भारत का हिस्सा है। और देखिए, आप लोगों को पता होगा कि म्यांमार में अराकान योमा पर्वत है। जो अराकान योमा पर्वत है म्यांमार में, वह हिमालय पर्वत की ही दक्षिणावर्ती उसका मोड़ है। तो जो म्यांमार में अराकान योमा पर्वत है वो नीचे आकर समुद्र में वो कट छट गया है, और उसी पर्वत की श्रृंखला है अंडमान निकोबार द्वीप, और उसी पर्वत की श्रृंखला और साउथ में जाकर के बन गई है इंडोनेशिया, जिसमें सुमात्रा और जावा जैसे प्रमुख द्वीप आते हैं। तो इस तरह से ये एक्चुअली ये प्राचीन काल में बहुत पहले जब हिमालय का निर्माण हुआ था तब ये हिमालय की ही श्रृंखला रही है, लेकिन बीच में पानी के द्वारा कट गया तो उसके बाद ये बन गया, क्या हो गया, इसका अलग नाम दे दिया गया अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप के ऊपर जैसे ही आप मैप में देखेंगे तो वहां पर आपको म्यांमार मिलेगा और वहां पर अराकान योमा पर्वत श्रेणी भी आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर कुछ ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप की श्रृंखलाएं हैं वहां पर कुछ ज्वालामुखी पर्वत, और ये जो ज्वालामुखी पर्वत हैं ये भारत के एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत हैं। देखिए, यहाँ पर कौन कौन से ज्वालामुखी पर्वत हैं, यहाँ पर देखिए जैसे नारकोंडम द्वीप, ये भी अंडमान का एक क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। नारकोंडम द्वीप जो है ये किस तरह का ज्वालामुखी पर्वत है, यह एक प्रसुप्त या मृत ज्वालामुखी पर्वत है, यानी कि ऐसा ज्वालामुखी पर्वत है जिससे लावा और गैसें अभी नहीं निकल रही हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे मृत यानी कि डेथ ज्वालामुखी पर्वत। और इसी तरह से देखेंगे तो मध्य अंडमान के सामने और दक्षिणी अंडमान के यहाँ पर जो जुड़ाव है, यहाँ की थोड़ी दूर, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूर पर बैरन द्वीप पाया जाता है। जो बैरन द्वीप है एक्चुअली यह भी एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है। बैरन द्वीप किस तरह का ज्वालामुखी पर्वत है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, यानी कि इससे अभी भी लावा और गैसें निकल रही हैं धीरे धीरे, तो इसको क्या बोलेंगे, बैरन द्वीप को सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। अब एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैरन द्वीप किस तरह का ज्वालामुखी पर्वत है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप नामक ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप की श्रृंखला के पास में, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। अब देखिए, यहाँ पर दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान की आप अगर आप साउथ में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लिटिल अंडमान। क्या मिलेगा आपको? लिटिल अंडमान आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, ये है पूरा ये लिटिल अंडमान, और लिटिल अंडमान के साउथ में देखेंगे तो यहां से यहां पर है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल एक्चुअली चैनल क्या है, देखिए दो दो द्वीपों के बीच में जो संकरा समुद्री मार्ग होता है उसको हम लोग बोलते हैं चैनल। क्या बोलते हैं? चैनल। दो द्वीप, देखिए ये है लिटिल
निको लिटिल अंडमान और यह है कार निकोबार। तो इन दोनों के बीच में क्या है, संकरा एक समुद्री रास्ता है, यहां से जहाजें आती जाती हैं। तो ये जो समुद्री रास्ता है इसको हम लोग बोलेंगे चैनल। तो अब इसको 10 डिग्री चैनल क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह जो अक्षांश रेखा है यहां से 10 डिग्री अक्षांश रेखा होकर निकलती है। यहां पर मैप में आप लोग देखेंगे कि अक्षांश रेखा इस तरह से क्षैतिज यहां पर फैली हुई है पूरे मैप में। तो यहां से देखेंगे आप लोग तो 10 डिग्री वाली अक्षांश रेखा निकलेगी, इसीलिए इसको बोलेंगे 10 डिग्री चैनल। तो एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है, तो उसमें चार ऑप्शन रहते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। ठीक है, अब देखिए जो कार निकोबार है इसके नीचे आप लोग देखेंगे तो यहां पर लिटिल निकोबार आपको मिलेगा। लिटिल निकोबार के दक्षिण में देखेंगे तो ग्रेट निकोबार आपको देखने को मिलेगा। देखिए जो ग्रेट निकोबार है ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, यहां पर है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट यदि आपसे पूछा जाए कि कहां पर स्थित है, तो वो स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप में, इंदिरा पॉइंट। अब देखिए जो ग्रेट निकोबार द्वीप है यहां पर इंदिरा पॉइंट पाया जाता है, और इंदिरा पॉइंट को ही पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पिगमेलियन पॉइंट के नाम से किसको जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट को। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप को मरकत द्वीप भी बोला जाता है, आप लोग याद रखिए जो अंडमान और निकोबार द्वीप है इसको मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी बातें आप लोग याद रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है उसी तरह से अब जो हम लोग पढ़ने के जो मटेरियल है उसको भी हम लोग थोड़ी डीप में जाने की कोशिश करेंगे, उसको भी थोड़ी विस्तृत रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए ये सेंट्रल पीक क्या है, ये उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए ये जो दक्षिणी अंडमान है यहीं पर है राजधानी, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है, वो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। देखिए जो आपने सुना होगा काला पानी की सजा, ठीक है, या फिर सेल्यूलर जेल, काला पानी की सजा या फिर सेल्यूलर जेल, वो कहां पर स्थित है, वो यहीं पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है, ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक ऊपर देखेंगे तो ये अंडमान की श्रृंखला है, और 10 डिग्री चैनल के नीचे से जब आप लोग देखेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर निकोबार द्वीप की श्रृंखला मिलेगी, जैसे कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो इस तरह से अंडमान निकोबार है, ये दो तरह के द्वीपों की श्रृंखला है, एक तो अंडमान के द्वीपों की श्रृंखला और निकोबार के द्वीपों की श्रृंखला। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं, वो कौन कौन से द्वीप हैं पाए जाते हैं, जो जैसे हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप ये भी कहाँ पर पाया जाता है, ये जो दक्षिणी अंडमान है उसी के थोड़ा यहाँ दूर में कुछ किलोमीटर की दूर में पाया जाता हैवलॉक द्वीप। अभी कुछ समय पहले जो हैवलॉक द्वीप है इसका नाम बदल करके स्वराज द्वीप रख दिया गया था। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रख लीजिए, हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके स्वराज द्वीप रख दिया गया है। और इसके दक्षिण में देखेंगे यहीं पर पास में ही, तो यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, इसको पहले क्या बोलते थे, रॉस द्वीप। तो रॉस द्वीप का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो ये इसका बदला हुआ नाम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसको पहले बोलते थे रॉस द्वीप। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख लेना। अब देखिए जो अंडमान निकोबार, ये तो इसके जो पूर्व पूर्व साइड में स्थित है, पूर्व दिशा में। अब इसके पश्चिम में देखिए कौन कौन से और भी द्वीप स्थित हैं, जैसे स्ट्रेट आइसलैंड या फिर स्टेट द्वीप, ये कहाँ पर स्थित है, ये भी उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच में या फिर इसके पश्चिम में स्थित है, यहीं पर पास में। आप लोग मैप में देख सकते हैं इनको। ठीक है, तो मैप में साधारण नहीं मिलेंगे, आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा इसके लिए, और भी इसके लिए स्रोत हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए, यहीं से आप लोग समझ लीजिए कि स्टेट द्वीप एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कहाँ पर पाया जाता है। तो स्टेट आइसलैंड कहाँ पर है, यह भी अंडमान निकोबार द्वीप में ही स्थित है, जो हमारे संघ का हिस्सा है, अंडमान निकोबार द्वीप यानी कि भारत का ही हिस्सा है। और देखिए इंटरव्यू आइसलैंड, ये भी यहीं पर पाया जाता है, इसकी लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, इंटरव्यू आइसलैंड यहां पर पाया जाता है। बाराटांग द्वीप, बाराटांग द्वीप, तो बाराटांग द्वीप कहाँ पर पाया जाता है, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप का ही हिस्सा है, यहाँ पर एक छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पर ढेर सारे द्वीप हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो अंडमान और निकोबार, अंडमान में लगभग देखेंगे तो अंडमान की जो श्रृंखला यहाँ से लिटिल अंडमान से ऊपर को लेकर, तो यहाँ पर लगभग 550
550 छोटे छोटे या बड़े बड़े द्वीप पाए जाते हैं सभी मिलाकर के। और जो 550 है 550 द्वीपों में से, इनमें से लगभग 28 द्वीपों में आबादी रहती है। 28 द्वीप ऐसे हैं जिन पर आबादी रहती है। और इसके अलावा देखिए, ये जो निकोबार की श्रृंखला है, यहाँ से कार निकोबार, से कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, इनके आसपास भी ढेर सारे द्वीप छोटे छोटे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो द्वीप पाए जाते हैं उनकी संख्या है लगभग 22, 22। तो 22 संख्या में से लगभग 10 ऐसे द्वीप हैं जहां पर आबादी निवास करती है निकोबार की श्रृंखला में। तो इनको आप लोग दोनों तरफ से देख सकते हैं कि एक ये है अंडमान की श्रृंखला में 550 है, निकोबार में 22 है, और 550 में से केवल 28 में आबादी है और 22 में से केवल 10 में आबादी पाई जाती है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो है जनजातियां निवास करती हैं, जनजातियों का ही एक पूरा का पूरा ये अंडमान निकोबार द्वीप है। यहाँ पर ढेर सारी जनजातियां रहती हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं, पहले जनजातियां देख लीजिए। यहाँ पर लगभग सेंटिनली, देखिए यहाँ पर सेंटिनल द्वीप है, यहीं पर देखिए, ये सेंटिनल द्वीप है दक्षिणी अंडमान के पास में। तो दक्षिणी अंडमान जो है उसके पास में सेंटिनल आइसलैंड है। तो यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, सेंटिनली जनजाति, सेंटिनली जनजाति। और इसके अलावा भी ढेर सारी जातियां पाई जाती हैं, जैसे जारवा जनजाति पाई जाती है यहाँ पर। कौन सी जनजाति, जारवा जनजाति, ओंगे जनजाति, सोमपेन जनजाति, ठीक है, सोमपेन जनजाति। तो ये जनजातियां कहाँ पर पाई जाती हैं, अंडमान निकोबार द्वीप में। एक्चुअली जो अंडमान निकोबार द्वीप है ये एक्चुअली ये बहुत ही एक सुंदर प्रदेश है। ये भारत का ही हिस्सा है और यहाँ पर सदाबहार जंगल पाए जाते हैं, पतझड़ वन जिनको हम लोग बोल सकते हैं, सॉरी पतझड़ नहीं, सदाबहार। यानी कि यहाँ पर वर्ष के अधिकतर दिनों में वर्षा होती रहती है, साल भर वर्षा होती रहती है। तो यहाँ पर जंगल जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हरे भरे होते हैं। तो सदाबहार जंगलों का ये पूरा एरिया है, यहाँ पर जनजातियां भी बहुत निवास करती हैं। जैसे देखिए जारवा जनजाति जो है, जारवा जनजाति, ये जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो अपना जीवन यापन किससे करती है, शहद के माध्यम से। मतलब शहद इसका निकालना काम है, शहद तोड़ना, और उसको बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये जो शहद तोड़ते हैं तो शहद में पाई जाती हैं देखिए मधुमक्खियां। मधुमक्खियां जब काट लेती हैं, ठीक है, जब मधुमक्खियां काट लेती हैं तो लोगों को बहुत ही ज्यादा उससे दर्द होता है। तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि मधुमक्खियां ना काटें तो वहां पर एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है आयक वलन। क्या पाया जाता है, आयक वलन वृक्ष। तो उसकी पत्तियों को चबा लेते हैं ये लोग, जिसके कारण क्या होता है कि उनको मधुमक्खियां नहीं काटती हैं, या फिर काटती हैं तो उनके जो उन पर जहर पाया जाता है, उन पर जो विष होता है उसका प्रभाव ज्यादा नहीं उनकी बॉडी पर पड़ता है। तो ये जारवा जनजाति शहद संग्राहक जनजाति है। अब देखिए यहीं पर देखिए जो दक्षिणी अंडमान है और लिटिल अंडमान, इनके बीच में है डंकन पास, डंकन पास है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान आपस में किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान आपस में डंकन पास के माध्यम से, डंकन पास के माध्यम से जुड़े हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिए। तो ये देखिए पूरा अंडमान निकोबार द्वीप का एक छोटा सा व्यू है, इसको हम लोग अलग ही प्रकार से समझने की कोशिश की है इस वीडियो में हमने। और देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक नया टॉपिक लेकर आएंगे जो बहुत ही ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे IAS, PCS या फिर किसी बैंक, SSC, किसी भी एग्जाम की, तो वो सब ये जो टॉपिक होंगे सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे, और ये जो दोस्तों जितने भी हम टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये सारे करंट अफेयर से भी रिलेटेड हैं, क्योंकि जो हाल ही में घटनाएं घटी हैं, देखिए सेंटिनली जनजाति अभी एक साल पहले चर्चा में बहुत ही ज्यादा रही है, क्योंकि यह एक आक्रामक जनजाति है। इसके पास, इस जनजाति जो सेंटिनली जनजाति है, इसके पास कोई व्यक्ति जाता है तो उसको मारने की ये कोशिश करते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि अगर अदर लोग हमारे यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारा अस्तित्व कहीं समाप्त ना हो जाए। तो इस कारण ये क्या करती है, जैसे ही किसी बाहरी लोगों को, किन्हीं को देखती है तो उन पर आक्रमण कर देती है सेंटिनली जनजाति। तो इन्होंने, इस जनजाति ने कुछ अमेरिका के लोगों को मार दिया था, वो वहां पर घूमने गए थे रिसर्च करने, तो उनको मार दिया था। तो ये काफी विवाद में जनजाति रही है। और भारत सरकार इन सभी जनजातियों के विकास के लिए और इनके बचाव के लिए लगातार कार्य कर रही है। कोई भी देखिए कुछ नहीं कर सकता है इन जनजातियों का। भारत सरकार के पास ढेर सारे ऐसे उपकरण हैं, ढेर सारे आधुनिक हथियार हैं कि वो ऐसी आक्रामक जनजातियों को पल भर में, यानी कि कुछ ही मिनटों में समाप्त कर सकती है। लेकिन भारत सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि ये हमारे
आर्ट एंड कल्चर का मामला भी बढ़ता है। तो अमेरिका भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, ब्रिटेन भी कुछ नहीं कर सकता, भारत भी कुछ नहीं कर सकता, केवल इनका इनके विकास के लिए काम कर सकता है इंडिया। तो इस तरह से देखिए ये सभी चर्चा में रहे हैं। अब देखिए जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, तो इसी तरह के यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी तरह से थोड़ी डीप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे इंटरव्यू आइसलैंड, बारहटांग द्वीप कहाँ पर है, इसको बारालाचा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जो बारहटांग द्वीप है किसके नाम से, बारालाचा, बारालाचा, बारालाचा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है बारहटांग द्वीप को, तो इसको भी आप लोग याद रखिए। तो दोस्तों नेक्स्ट जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो के साथ में, तो तब तक के लिए जय हिंद।